चांदी गेर बताना ना देख लेगा बैठा तो सीधा बैठा तो बैठ के स्टार्ट कर दे चाबी से हाथ तक ट्रॉल पंडित जी एक बार जब ओ भाई ये मुझको बुलंदशहर पुलिस के हाथ एक ऐसा गैंग लगा है जो बड़ी शातिर तरीके से मास्टर चाबी की मदद से किसी भी कार का लॉक खोलकर उसे ले उड़ते थे। ये वाहन चोरों का गैंग दिल्ली, हरियाणा और नोएडा में सक्रिय था। वहीं से कार चोरी कर लाखों की कार हजारों में बेचने का काम करते थे। क्षेत्राधिकारी खुर्जा सुरेश कुमार के अनुसार खुर्जा पुलिस को सूचना मिली थी कि दिल्ली से चोरी की गई एक इको कार से तीन चोर अलीगढ़ की तरफ से बुलंदशहर की ओर जा रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस सक्रिय हुई और आरोपियों की घेराबंदी शुरू कर दी। 23 जुलाई को शाम के समय थाना खुर्जा नगर की पुलिस नियमित चेकिंग कर रही थी और इसी बीच एक सूचना मिली मुखबिर द्वारा कि एक गाड़ी जो कहीं से चोरी हुई है उसके साथ कुछ व्यक्तियों का क्षेत्र से गुजरना संभावित है। इस विशिष्ट सूचना पर विशेष रूप से चेकिंग अभियान चला गया। इस चेकिंग के दौरान एक स्थान पर अगवालकट के पास में एक ईको गाड़ी संदिग्ध पकड़ी गई, रोककर चेक किया गया। उसमें तीन व्यक्ति सवार थे, उनके पास से शस्त्र भी बरामद हुए और गाड़ी जिस जो उनके पास थी उसके बारे में जानकारी हुई कि वो दिल्ली से चोरी की गाड़ी है जो उनसे बरामद हुई है। ये तीनों व्यक्ति एक जनपद बदायूं का निवासी है, इसका नाम हुकम सिंह है, मुनेंद्र दिल्ली का निवासी है और भूपेंद्र नूह हरियाणा का निवासी है। तो इन तीनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, इनके पास से वे शस्त्र बरामद किए गए और चोरी का वाहन बरामद किया गया। तदनुसार अभियोग पंजीकृत करते हुए इनको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। हुकम सिंह कहाँ का रहने वाले हैं? बदायूं। कितनी गाड़ी चुरा चुके हो अब तक? कहाँ ज्यादातर चोरी करते थे? 10-15 गाड़ी चुरा ली दिल्ली। कहाँ बेचते थे? बहजोई। अच्छा, तो कितने में बेच देते थे गाड़ी ज्यादातर? 10-15 हजार में। बस सर। कैसे पकड़े गए अब? सर पकड़े कैसे गए सर, मैं सो रहा था। हाँ। दूसरा लड़का चला रहा था। अच्छा। हाँ, तो कहाँ से चुराई थी ये गाड़ी? दिल्ली से सर। गैंग में कितने लोग हो आप? कितने लोग हो आप गैंग में? तीन है सर। तीन लोग हो? जी सर। कैसे चाबी बनवाई, कहाँ से चाबी आई आपके? चाबी जिसने उसी समय लेकर आया था, जिसने जो खान नाम का है उसने दी थी। पुलिस के मुताबिक तीनों चोरों को खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के अगवालकट से गिरफ्तार किया गया है, जबकि इनके पास से पुलिस ने एक इको कार, एक तमंचा, दो चाकू और चोरी करने के उपकरण भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किए गए सभी तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। आपको बता दें, ये चोरी करने के लिए एक जगह एकत्रित हुआ करते थे और उसके बाद घटना को अंजाम देकर अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाया करते थे। बुलंदशहर से Time24 न्यूज के लिए हामिद सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।